નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓની આપની સાથે મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને તેમની સાથે વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. દર્શક મિત્રો, જ્યારે પણ કદાચ ક્યાંક ટેલિવુડની વાત નીકળે તો સ્વાભાવિકપણે સોશિયલ સ્ટોરીઝ અને એમાં પણ સાસ બહુની સ્ટોરીઝની ચર્ચાઓ હર ઘરની અંદર થતી હોય છે. અને જ્યારે બધી સ્ટોરીઝની વાત આવે ત્યારે અમુક કેરેક્ટર્સ જે હોય છે આ સિરિયલ્સના, તે લોકોએ એવો રોલ કર્યો હોય છે કે જેના કારણે દિલો દિમાગ પર છવાઈ ગયા હોય છે. બિલકુલ દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમમાં આજે એક એવો ચહેરો મેં આપની સમક્ષ મૂકીએ છીએ કે જે ચહેરો હજી પણ આપના દિલો દિમાગની અંદર અંકિત થયેલો છે. સીધો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી છું આજના ગેસ્ટ, અતિથિ કાર્યક્રમના ગેસ્ટ રૂચા ગુજરાતી. રૂચાજી, આપકા સ્વાગત હૈ. રૂચાજી, સબસે પહેલે તો રૂચા ગુજરાતી, સરનેમ ગુજરાતી ક્યા ક્યા યે હટકે, ક્યોંકિ ગુજરાત મેં રહેને વાલે ભી પીછે સરનેમ ગુજરાતી નહીં લગાતે, યે બુરા હટકે હટકે સરનેમ. બસ શાયદ મેરા યે સરનેમ હટકે હોને કી વજહ સે હી મુજે લોગ મુજે વો પહેચાન મિલી હૈ. તો આજ રૂચા ગુજરાતી એક રેર સરનેમ હૈ, તો શાયદ ઉસ વો એક રેર સરનેમ કી વજહ સે એક સ્ટેન્ડ આઉટ કર જાતા હૈ જહાં પર ભી જાતી હુ. તો આઈ એમ બ્લેસ્ડ વિથ ધ સરનેમ. ઓકે ફાઇન. રૂચા જી, કોમન ક્વેશ્ચન, પહેલા કદમ કબ રખા એક્ટિંગ કી દુનિયા મેં? મુજે માલુમ હૈ કે ચાઇલ્ડ આર્ટિસ્ટ કે હિસાબ સે આપને કામ ભી બહોત કિયે થે. પહેલા કોન સા વો થા પલ જબ આપને ઇસ ફિલ્ડ મેં કદમ રખા? મેને સબસે પહેલે એક મેને સબસે પહેલે એઝ અ ચાઇલ્ડ આર્ટિસ્ટ એક સિરિયલ કી હુઈ હૈ કોલ સાગ ધના દિન, જો ડીડી 1 પર આતી થી બ્રેકફાસ્ટ ટાઈમિંગ પર. તો વો સબસે પહેલા પ્રોજેક્ટ થા મેરા, और उस हिसाब से मैंने शुरुआत की एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. फिर मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए ब्रेक लिया. उसके बाद मैंने ब्रेक, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने, आई वाज ऑलवेज पैशनेट, मुझे बहुत पैशन था एक्टिंग. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थी कॉलेज स्कूल में वगैरह में. तो मैंने स्टडीज के साथ साथ हमेशा जब कॉलेज खत्म होती थी तो मैं ऑडिशंस के लिए भागती थी. तो आई वाज वेरी एंथू अबाउट इट एंड वेरी पैशनेट अबाउट इट. अरुचि जी, ऑडिशन के बारे में बताओ. ऑडिशन में बहुत सारे सवालात होते हैं जो आजकल के बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि हमें ऑडिशन देना है, हमें ये फील्ड में आना है. व्हाट डू यू फील ऑडिशन देने जब भी कोई बंदा जाता है, क्या 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 जज क्या खास देखते हैं कि, और कई बार होता है कि पहली नजर में जज उसको बोलते हैं कि यस ये है हीरा जो मैं चाहता था, या तो ये बहुत आगे आएगा. क्या बेसिक क्या देखते हैं? बेसिकली जब आप ऑडिशन देने जाते तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, भले ही आपने कहीं गलतियां कर दी हो, आप एक न्यू कमर है तो वो जायज है कि आप गलतियां करोगे, लेकिन आप गलतियां भी कॉन्फिडेंस से करोगे तो वो आप एक जज को इम्प्रेस कर सकते हो. तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आउटर अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, एटीट्यूड मैटर करता है, और लुक्स, इट्स अ कंप्लीट होल पैकेज, एक इंडिविजुअल पैकेज नहीं है. लेकिन मेरे हिसाब से गुड लुकिंग होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना एक टैलेंट इम्पॉर्टेंट है. आपको टैलेंट जो भी है उसे आप एनहेंस कीजिए और उसी में अपना बेस्ट देंगे, तो आई थिंक रिजेक्ट करने का मौका ही नहीं. साथ हुआ हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऑडिशन में कि बहुत डिप्रेशन आ गया था रुचा को कि नहीं यार अभी ये तो बहुत दे दी एडमिशन ऑडिशन और शायद अब हद हो गई, अभी अभी मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे, ऐसा कोई गलत ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कुछ? मैं एड्स के ऑडिशन देने बहुत जाती थी और मुझे एड्स के ऑडिशन देने, अभी भी अगर मुझे कभी बोला जाए कि ऑडिशन देना है आपको, तो वो एक नर्वसनेस आप में रहती ही है. वो एक कॉमन मैन के ट्रेट्स है, लेकिन वो नर्वसनेस को ओवरकम करके अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कभी कभार वो नर्वसनेस एक पॉजिटिव स्ट्राइड में आपको हेल्प करती है. तो आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस, आई थिंक एक मैंने ऑडिशन दिया था जो मेरा पहला एड था लिव ऑन का, बाय डिफॉल्ट मेरी काफ़ी उसमें मिस्टेक्स हुई और मैं हंस दी थी ऑडिशन में. बहुत कैजुअली मैंने उस ऑडिशन को लिया था और कैजुअली में ही मेरा वो सिलेक्शन हो गया. ओके, बाय लक. ओके, एड फिल्म्स की बात करें तो
बहुत ही डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट किया गया है एड फिल्म्स में जो भी एक्ट करना होता है आपको, सीरियल्स में करना है, फिल्मों में करना है। जहां तक बात है एड फिल्म्स की, आज का जो यूथ है वो चाहता है कि सीरियल में आ जाए, एक लंबा सा सॉप ओपेरा मिले तो बार 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 मंडे टू थर्सडे बिल्कुल ठोकता रहे अपने आप को टीवी स्क्रीन पे लोगों के दिलो दिमाग पर। अब क्या मानते हैं, एड फिल्म्स की दुनिया जो है वो बेटर है या टॉलीवुड की दुनिया? देखिए, इंडस्ट्री में एक शुरुआत होती है, तो हर एक इंसान जब एक शुरुआत करता है तो एड्स से ही शुरुआत करता है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत एड से की थी, तो वो एक ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं। जैसे एक कोई इंसान, एक नॉर्मल इंसान जब जॉब करता है तो एक हायरार्की होता है कि एक स्टेप के ऊपर स्टेप के ऊपर स्टेप, एक लैडर होता है। तो दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। एड्स के बाद आपको थोड़ा एक एक्सपोजर मिल जाता है, आपको पता है कि एक सेटअप कैसा है, आपको किस कैसे कैमरा फेसिंग करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है, आप सीरियल्स के ऑडिशन देने जाओ, फिर सीरियल्स के बाद फिल्म्स। मतलब वो एक स्टेप्स होते हैं। फिल्म्स अगर सोचना है तो वो एक डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर है। फिल्म्स में काफी पेशेंस चाहिए मेरे हिसाब से। जो दिखाया जाता है, मैं सीधा आ जाता हूँ, जिस तरह से आपने एड के बारे में बताया, बहुत सारी फिल्म में दिखाया हुआ है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत लोग शिकार बनते हैं। खास करके मैं सीधा कास्टिंग काउच पे आ जाता हूँ, क्या मानते हैं आपकी, सही में जितना कहा जाता है उतना कास्टिंग काउच है कि हवा बना दिया है? मेरे हिसाब से एक हवा भी है, और एक्चुअली मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि कास्टिंग काउच जैसी चीज एज अ पर्सन एग्जिस्ट नहीं करती फॉर मी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर एक फील्ड में ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप एक पर्सन और एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल्स क्या है और आपके वैल्यूज क्या है। आई थिंक हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती है, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है, मीडिया वर्ल्ड है, ओपन वर्ल्ड है, तो एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करें और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो आई थिंक आप अगर अपने प्रिंसिपल्स के साथ चलेंगे तो कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाएगा। इंडिविजुअल है, अगर कोई आदमी कितना गिरना चाहता है उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय थयो छे एक नानकड़ा विराम नो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथिमां। वात करे छे आपणे रुचा गुजराती साथे। रुचा जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि कास्टिंग काउच ऑब्वियसली नॉट इन दिस फील्ड, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं ये होता ही रहता है। शायद हो सकता है ग्लैमरस फील्ड है, ग्लैमर फील्ड है, तो यहाँ कंपेयर टू अदर फील्ड थोड़े चांसेस ज्यादा है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, MLT किया आपने, किसी का खून निकालना, खून को चेक करना, मतलब ये सिर्फ किसी के कहने के, पापा मम्मी के कहने के हिसाब से किया था पढ़ाई? अगर आप चाहते तो बहुत साल पहले जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से काम कर दिया था, अब MLT अपने डिप्लोमा इन MLT कर दिया है, आपको लगता है कि वो 4-5 साल वेस्ट किए? जी बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी प्रति और किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के लिए पैशनेट हो, तो वो पैशन पाने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे और 100% देंगे। तो जैसे मैंने मेहनत की है, हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद मैं ऑडिशन देने जाती थी। तो दिस इज पैशन। मतलब आप कॉलेज में पढ़ाई करके थक जाने के बाद भी आपके लिए, आपके अंदर वो एक पैशन है कि आपको कुछ प्रूफ करना है और कुछ करके दिखाना है। रुचा गुजराती एक नाम को, एक एस्टैब्लिश नेम बनाना है, तो वो हमेशा एक दिमाग में था मेरे। तो आई थिंक वो पैशन को लेकर मैं हमेशा चली हूँ और कहीं ना कहीं कुछ अचीव किया है लाइफ में। सोशल स्टोरीज में, जिस तरह से सीरियल्स में सोशल स्टोरीज डाली जाती थी, सास और बहू को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन जब भाभी का रोल आ गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ द स्टोरी, थीम पूरी बेस बन गई भाभी के आजू बाजू में, भाभी का रोल कैसे टर्न लाया रुचा गुजराती के लाइफ में? भाभी वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माई करियर।
क्योंकि जब कुसुम करते करते मुझे जब भाभी मिला तो इनफैक्ट मैंने सोचा नहीं था कि मैं एज अ भाभी, मैंने एक जनरेशन लीप में भाभी में एंटर किया था, जो सरोज जो हमारी जो मेरी माँ बनी थी भाभी में, वो उन्हें अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली क्या कहा जाए, उन्हें कनाडा जाना था क्योंकि वो रियल लाइफ में शादी कर रही थी. तो उन्होंने कहा भाई नॉट जनरेशन लीप जिसने लिया है उन्हीं में से किसी एक बेटी को भाभी बना दिया जाए. तो आई वॉज कंसिडर्ड एंड आई टेक इट एज माई लक. मेरे लक ने भी मुझे बहुत साथ दिया और कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस था और एक टैलेंट था जो आई थिंक मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को दिखाई दिया एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा फेथ और ट्रस्ट रखा कि मैं उस किरदार को बहुत ही ऑनेस्टली और अच्छी बखूबी निभा पाऊँगी. तो बस भाभी वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माई करियर. उसके बाद आई थिंक देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर मी एंड देर इज नो लुकिंग बैक. टॉलीवुड के आर्टिस्ट को ज्यादातर देखा गया, डोंट फील बैड, बट ये भी एक बहुत ही सच्चाई है कि टॉलीवुड के जो भी आर्टिस्ट होते फिल्मों में ज्यादा सक्सेस नहीं होते या तो उनको चांस नहीं दिया जाता. फिल्म से बहुत सारा लोड टॉलीवुड को मिला है लेकिन टॉलीवुड से बहुत कम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज को मिले. क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या रीजन है इसका? पता नहीं, ये परसेप्शन हमेशा एक माइंडसेट रहा है लोगों के दिमाग में कि टेलीविजन के जो लोग हैं वो फिल्म्स में नहीं आगे आ सकते. लेकिन मैं काफ़ी लोगों के नाम आपको देना चाहूँगी, जैसे इरफान खान हैं, फिर आशुतोष गोवारिकर हैं, वो काफ़ी वो टेलीविजन से रह चुके. यू कैन गिव द नेम ऑफ शाहरुख खान. शाहरुख खान इज द नेम, इज अ बिगेस्ट नेम, इज अ किंग खान राइट नाउ. वो सर्कस किया है उन्होंने, फौजी सीरियल की थी. तो आई थिंक वो एक परसेप्शन और माइंडसेट है. मेरे हिसाब से अगर आपके पास टैलेंट है और आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है अंदर से, आई थिंक आपको वो टैलेंट, मतलब वो छोटा मीडियम हो या बड़ा पर्दा हो, वो आपको रोक नहीं सकता क्योंकि दोनों जगह आपको अपना टैलेंट शोकेस करना है. तो अगर आप टैलेंटेड हो तो आप दोनों बड़े पर्दे या छोटे पर्दे पे एक्सेप्ट किए जाओगे. तो आई थिंक वो एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, लेकिन वो ब्रेक करना हम आर्टिस्टों पे डिपेंड करता है. रुचा जी, बहुत एक कठिन सवाल पूछ रहा हूँ. मुझे मालूम है कि ये सवाल में आपको बहुत लंबा जवाब देना है लेकिन मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूँ. मेरा सवाल है कौन है गॉडफादर? बहुत सारे नाम नहीं चाहिए, ये नो, एक ही जो 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 सही में आपको लगता है कि यस ये बंदे ने या इसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है, चाहे वो ब्रेक के बारे में हो, बेसिक टिप्स हो, जो भी है, लेकिन किसी एक को आप गॉडफादर मानते हैं? इंडस्ट्री में तो गॉडफादर जैसा कोई नहीं. आज जो भी मैं हूँ वो अपने मेरिट्स के हिसाब से हूँ. मेरिट से मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आई थिंक अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मीठा ही मिलेगा. लेकिन हाँ, एक आइडियल है और लुक अप टू है, वो है मेरी माँ और मेरे डैडी. आई लुक अप टू देम. उन्होंने जो मुझे सपोर्ट दिया है आज तक, इनफैक्ट आज तक मेरे बड़े बड़े जो डिसीजंस है, आज तक मेरी लाइफ में मैं अपनी माँ और मेरे डैडी को कंसल्ट किए बिना नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी जो ग्रे हेयर एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत काम में आते हैं और कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छे राइट वे में ही गाइडेंस देंगे. क्योंकि कई लोगों का मतलब होता है, कुछ अलग मतलब भी होता है, लेकिन मेरे मॉम डैड बहुत ही माँ और डैडी तो हमेशा भगवान के रूप से ही देखती हूँ मैं. तो आई थिंक उनमें कहीं वो एक छोटी सी भी मीननेस नहीं रहती है. तो आई थिंक माय आइडल्स आर माय डैड एंड मॉम. रुचा जी, फैमिली के बारे में बताइए, कौन है फैमिली में? माय आइडल्स आर माय डैड एंड मॉम. फैमिली के बारे में बात करना चाहेंगे हम, थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए, कैसा मतलब किससे जमती है ज्यादा, मम्मी से पापा? एक्चुअली दोनों. मैं बीइंग अ डॉटर, बोलते हैं कि डॉटर इज यूजुअली क्लोज टू माय डैड. सो माय डैड इज ऑलवेज बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने आज तक. ही मोर देन माय डैड, ही इज माय फ्रेंड. सो मैंने हर एक चीज उनके साथ शेयर की और मेरा परसेप्शन और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता है कि आप अपने बच्चों के साथ वो स्ट्रिक्ट एटमोसफियर में नहीं रखिए. आप हमेशा उनके साथ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कीजिए क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स बनेंगे तो आपका बच्चा हर चीज शेयर करेगा उसके साथ. तो फ्रेंड्स की और बचपन की बातें करेंगे. अगेन एक लेते छोटा सा ब्रेक. दर्शक मित्रों, समय था एक विराम नो, बड़ी एक नाने का विराम बाद. We'll be right back.
દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. અતિથિમાં છે રૂચા ગુજરાતી. રૂચાજી, ફ્રેન્ડ્સ કે બારે મેં આપને બતાયા કે ફ્રેન્ડ્સ જૈસે પાપા ફ્રેન્ડ ફિલોસોફર ગાઈડ આપ ઉનકો માનતે. મમ્મી જી કા નામ નહીં દિયા, મુજે માલૂમ હૈ, લેકિન જ્યાદા પડતી હૈ પાપા સે. ફ્રેન્ડ્સ 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 કે બારે મેં બાત કરે તો રૂચા કો બહોત મિસ કરતે હોંગે ફ્રેન્ડ્સ. ગાલિયા ભી ભગતે હોંગે કે બહોત બિઝી હો ગઈ હૈ, બડી સ્ટાર હો ગઈ હૈ, ટાઈમ નહીં દે રહી હૈ. કોણ કોણ સે એસે ફ્રેન્ડ્સ હૈ ઓર ઉનકે બારે મેં કોઈ એસા જો કભી ભૂલ નહીં પાએંગે એસા હાદસા? ફ્રેન્ડ્સ તો મેરી લાઈફમાં હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે ઓર આઈ થિંક ફ્રેન્ડ્સ હોના બહુ જરૂરી હૈ લાઈફમાં, ક્યુંકિ આપ જબ ભી લો ફીલ કરતે હો, હાઈ ફીલ કરતે હો, આપકે પાસ એક પર્સન ચાહિયે કે વો શેર કર સકે. એસા કોઈ મોમેન્ટ મુજે યાદ નહીં હૈ મેરે ફ્રેન્ડ્સ કે સાથ. આઈ થિંક એવરી મોમેન્ટ આઈ હેવ શેર્ડ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ઇઝ ધ બ્યુટિફુલ મોમેન્ટ્સ. મેં ઉનકે હાઈઝ ઓર લોઝ મેં રહેતી હું, વો મેરે હાઈઝ ઓર લોઝ મેં રહેતે ઓર મેરી લી વહી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ હૈ એક ફ્રેન્ડશિપ મેં કે જો આપકી ખુશી મેં રહે ઉસે કોઈ મતલબ નહીં હૈ, લેકિન જો આપકે દુઃખ મેં ભી આપકે સાથ રહે ઉસે મેં સહી ફ્રેન્ડશિપ માનતી હું. સુખ ઓર દુઃખ કી બાત કિયા, કૌન સી લાઈફ મેં હેપીએસ્ટ મોમેન્ટ કૌન સી થી રૂચા ગુજરાતી કી લાઈફ મેં અભી તક? આઈ થિંક વેન આઈ બેગ્ડ માય ફર્સ્ટ સીરિયલ કુસુમ વોઝ માય હેપીએસ્ટ મોમેન્ટ એવર ઇન માય લાઈફ, બીકોઝ જો મેં ડ્રીમ કર રહી થી ઓર જિસકે લી મેં મહેનત કરી થી, એક દિન અચાનક મેં ઓડિશન દિયા ઓર મેં ઇનફેક્ટ કહીં કિસી રોઝ કે કેરેક્ટર કે લીએ એક ઓડિશન દિયા થા, યુક્તા કેરેક્ટર કે લીએ, ઓર નેક્સ્ટ દિન મુજે કોલ આતા હૈ કુસુમ કે લીએ, કલી કે કિરદાર કે લીએ. તો મતલબ દેટ વોઝ વન ઓફ ધ હેપીએસ્ટ મોમેન્ટ. મેં સોચા ભી નહીં થા કે આઈ વિલ ગેટ અ કોલ, બીકોઝ વો ભી મેં બહુ હી કેજ્યુઅલી દિયા થા, ક્યુંકિ તબ મેરે દિમાગ મેં થા કે મેં ફિલ્મ્સ કરૂંગી ફિલ્મ્સ કરૂંગી ફિલ્મ્સ કરૂંગી. તો ઇટ જસ્ટ હેપન્ડ, યુ નો. ક્યા 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 શોખ ક્યા હૈ રૂચા જી કે? I love dancing, listening to music, long drive pe jana pasand karti hu, sona bahut pasand karti hu, pictures dekhna bahut pasand karti hu. Sona bahut mehanga ho gaya hai, sona bahut mehanga ho gaya hai, kyunki kai baar hectic schedule mein aapko wo beauty sleep nahi mil pati hai, to I regret at times, but that's okay, that's a part and parcel of my profession. Again, kaise stress manage karte ho? Mujhe malum hai ki sets pe શાયદ ઓન કેમેરા મેં બોલ સકતા હું, મેં ન્યૂઝ ચેનલ સે હું, આપ એન્ટરટેનમેન્ટ ચેનલ સે આપ નહીં બોલ પાએંગે, લેકિન જો પ્રોડ્યુસર હોતા હૈ આર્ટિસ્ટ સે જો શિફ્ટ મેં કામ કરવાતા હૈ ઉસે નહીં માલૂમ હોતા કે આર્ટિસ્ટ એક ઇન્સાન હૈ ઓર વો જો ચાહતે હૈ મૂડ, વો મૂડ ઇતને સ્ટ્રેસ મેં નહીં લા સકતે, ફિર ભી આપ એક અચ્છે આર્ટિસ્ટ કી તરહ અપના રોલ નિભાતે હૈ, ડિરેક્ટર જો બોલતા હૈ વો કરતે હૈ, શાયદ 3 ઘંટા 5 ઘંટા 7 ઘંટા 8 ઘંટા ભી ફ્લોર પર રહેતે, 8 નહીં 12 ઘંટા કેસે સ્ટ્રેસ મેનેજ કરતે? સ્ટ્રેસ આઈ ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ સ્ટ્રેસ, ક્યુંકિ જબ આપકી કોઈ ચીઝ આપકે લિયે એક પેશન હોતા હૈ તો આઈ ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ સ્ટ્રેસ. હા, હમારે લીએ વર્કિંગ આવર્સ બહુ જ્યાદા હોતે હૈ, 12 ઘંટે આપકો કામ કરના પડતા હૈ, લેકિન યે પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ હૈ ઓર કહીં ના કહીં જબ આપ એક રોલ મેં એક કિરદાર કો નિભાતે તો આપ એક આપકી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી બન જાતી હૈ, એક લીડ કી રિસ્પોન્સિબિલિટી બન જાતી હૈ ટુવર્ડ્સ યોર શો, ક્યુંકિ ઇટ્સ લાઈક અ ફેમિલી, જૈસે મોમ ડેડ એક ફેમિલી કો ઇકઠ્ઠા ઓર એક એકજુટ કરકે રખતે હૈ, ઉસી તરહ સે એક લીડ કી ભી બહોત બડી રિસ્પોન્સિબિલિટી હોતી હૈ. તો આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ અ સ્ટ્રેસ, બટ યા ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ડીસ્ટ્રેસ માય સેલ્ફ ઓર જબ કભી મોકા મિલ જાતા હૈ તો આઈ અનવાઇન્ડ માય સેલ્ફ. મેં બહોત ટ્રાવેલિંગ મેં બિલીવ કરતી હું, તો મેં છુટ્ટીઓ કે લીએ ચલી જાતી હું યા વેકેશન હોલીડેઝ કે લીએ કહીં બહાર ચલી જાતી હું યા મૂવીઝ. કોન સા ડેસ્ટિનેશન ફેવરેટ? જ્યાં બાર બાર જાના પસંદ હો? આઈ લવ મોરિશિયસ, ઇઝ અ બ્યુટિફુલ લોકેશન ટુ બી ઇન, લંડન ઇઝ બ્યુટિફુલ, તો મુજે યે ડેસ્ટિનેશન્સ બહોત પસંદ હૈ. સો ગુજરાત, ગુજરાત કે બારે મેં બાત કરે, જિસ તરહ સે ગુજરાતી થીમ સક્સેસ સિરિયલ જીતની ભી અભી તક ટેલિવુડ પે આઈ હૈ, ગુજરાતી બેઝ્ડ, ગુજરાતી ફેમિલી કો સેન્ટર મેં રખ કે, ક્યા માનતે હૈ આપકી? ધીરે ધીરે ટાઈમ અભી ધીરે ધીરે બદલ રહા હૈ, આને વાલે દિનો મેં ક્યા ટર્ન આઉટ થોડા શાયદ પંજાબી ઓર જા રહા હૈ કે ગુજરાતી હી થીમ અભી ભી ઓર 5-10 સાલ ચલેગી? મતલબ મેં સમજી નહીં, આપ રીજનલ્સ? નો, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નેશનલ એન્ટરટેનમેન્ટ ચેનલ પર જો ભી સક્સેસ સિરિયલ સે ઉસમે ચાહે ઉનકા ગેટઅપ હો, સ્ટોરી કા થીમ હો, થીમ જો ભી કલ્ચર દિખાયા જાતા હૈ વો ગુજરાતી દિખાયા જાતા હૈ સબસે જ્યાદા, અગર મેજર દેખા જાય તો.
आई थिंक वन शुड फील प्राउड, आई एम प्राउड कि हमारे कल्चर को इतना एक्सपोजर मिल रहा है. आई थिंक गुजराती इज अ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी हैप्पी गो लकी फैमिली होती है और माना जाता है, इनफैक्ट है, और काफी ह्यूमर होता है गुजराती फैमिली में. तो आई थिंक उस चीज को ऑडियंस के सामने पेश करना और उस ह्यूमर को पेश करना, आई थिंक दैट्स नॉट अ ड्रॉबैक, इनफैक्ट इट्स एन एसेट. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे गुजराती कल्चर को पूरी नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जाता है, एंड इनफैक्ट पीपल आर अप्रिशिएटिंग. और इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी, मतलब लोग हंसते हैं, रोते नहीं है उसे देखकर. रुचा गुजराती घरे क्यारे अथवा तो क्या पण गुजराती बोलवानो मौको मळे छे खरो? मेरी गुजराती अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन ब्रोकन गुजराती बोलती हूँ मैं. केम छो, मजा मा छो, सू चाले छे, एंड ऑल दैट बेसिक गुजराती, नॉट आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती. क्या ड्रीम क्या है रुचा जी लाइफ में? क्या अभी भी ये करना बहुत बाकी रह गया? अभी कुछ भी हो जाए ये तो करना ही है, मुझे ये करना ही है. I'm not over ambitious. I want to work hard. More harder for me every day is a struggle. हर एक दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है, एक नई चीज़ है, एक नया चैलेंज है, और मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और उस चैलेंज को ओवरकम करके मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ. तो अभी फिलहाल बॉलीवुड का ड्रीम है, और आप लोग सारे व्यूअर्स का सपोर्ट मिले, ऑडियंस का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली जिस तरह से मुझे सीरियल में सराहा गया, पसंद किया गया, उसी तरह से बॉलीवुड में एक्सेप्ट करे, तो रुचा जी अपने दुश्मनों के साथ क्या करती है? देखो ऐसा मत बोलना कि मेरा कोई दुश्मन है नहीं, एक्चुअली नहीं है. देखो बीइंग है, ये फील्ड में है और महिला है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो होता होगा किसी. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. पक्का? मैं अपने कर्मास पे बिलीव करती हूँ. आई थिंक जितना मैंने हमेशा हर एक लोगों के साथ एक अच्छा ही बिहेवियर रखा है, और आई थिंक आप मुझे आपने रखा है, आपने रखा है. हाँ, तो मुझे वो कभी मिलता ही नहीं उस तरह का बिहेवियर. सो मैं अपने कर्मास पे बिलीव करती हूँ. गुस्सा कब आता है? गुस्सा बहुत कम आता है मुझे, पहले बहुत आता था जब आप इमैच्योर थे, लेकिन as I've grown and as I've matured, I've become a very strong-headed person and I'm very, मेरा anger बहुत suppress हो गया है, तो I think अभी गुस्सा बहुत कम आता है, ऐसा नहीं है. रुचा गुजराती को क्या लगता है कि कौन सा ऐसा point है, कौन सा ऐसा virtue है जिसकी वजह से रुचा हर फील्ड में सक्सेस होती है, जहाँ पे भी हाथ डाला है वो सक्सेस होती है? आपको क्या लगता है कि आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? 3 D's in life. Dedication, desire, dedication and determination. I have always followed that आपकी desire हो और आपकी dedication हो और determination हो. अगर ये 3 D's आपके life में एक mantra बन जाए, तो I think success achieve करना बहुत difficult नहीं है. धर्म में कितना believe करते हो? धर्म या नहीं, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, आई एम नॉट टू मच ऑफ आइडल वर्शिप पर्सन. लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा, मैं अपने कर्माज में बिलीव करती हूँ. मैं हमेशा किसी को दुख नहीं पहुँचाती हूँ, और कोशिश नहीं मतलब हमेशा अच्छा ही बोलती हूँ. मेरे मुँह से कभी किसी के लिए बुरा नहीं निकलता, तो आई थिंक मुझे वो रिटर्न भी मिलता है. रोजा जी, आप चाहेंगे कि जिस तरह से सीरियल्स दिखाई जाती है सास बहू के झगड़े वाली, दिल से क्या जितनी हाइट दिखाई जाती है उसमें थोड़ी कम करनी चाहिए? आई थिंक अभी जैसे आपने मुझे वो गुजराती के कल्चर को जिस तरह से एक्सपोजर किया है और आप हम दिखाते हैं, तो उसमें वो जो नोकझोंक दिखाते हैं बहुत प्यारी नोकझोंक है. इनिशियली बहुत ही हाइपोथेटिकल और बहुत ड्रामा दिखाते थे और बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड एग्जैजरेट करके दिखाते थे, लेकिन अभी फिलहाल उस चीज़ को उन्होंने ह्यूमरस बना दिया है. तो आई थिंक वो बहुत ही क्यूट नोकझोंक जब बताते हैं तो वो मज़ा आता है देखने में, लेकिन वो एक सीख नहीं है. वो हाँ, एक सीख की तरह से भी ले सकते हैं कि आप इतने झगड़े मत कीजिए रियल लाइफ में. ओके. पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में क्या ख्याल है रुचा जी का? मैं क्या बोलूँ इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में? इट्स डेमोक्रेसी एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर राइटफुल. इनफैक्ट कांग्रेस बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट ला रही है एंड वेरी वेरी हैप्पी कि कांग्रेस को चुना गया है इस साल इस ईयर भी और डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. गे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ऑफिशियल करने जा रही है गवर्नमेंट, व्हाट इज योर पर्सनल व्यू? आई थिंक सबका एक वर्ल्ड होता है. मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ गे वर्ल्ड के, क्योंकि आई थिंक वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो इट्स क्वाइट एक्सेप्टेड कि गे वर्ल्ड है. और एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इवन आई एक्सेप्टेड, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का एक वर्ल्ड है, हर एक इंसानों की दुनिया है. तो उस दुनिया में इंटरफेयर करना मैं नहीं चाहती, मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए, किसी ने भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. रुचा जी, लास्ट सवाल, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल करने जा रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, क्या मानते हैं आप कि ये सही है? I personally don't believe in all this. I personally don't believe in living relationship. But then, एक जैसे individual point of view है, जैसे मैंने कहा है कि you know, आप अगर एक इंसान एक दूसरे को जानना चाहता है और एक दूसरे को पहचानना चाहता है और परखना चाहता है और दोनों open minded और like minded people हो तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज मैच करते हैं तो फिर हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले. लेकिन एज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट एक्सेप्ट लिव इन रिलेशन. और ये दिवाली के मौके पर जब एपिसोड जा रहा है, दिवाली का मौसम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आपकी दिवाली की शुभकामनाएं? गुजराती न्यूज के सभी व्यूअर्स को गुरुचा गुजराती की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने आप को बचाइए और प्यार से खेलिए और ज्यादा जोर शोर से फायर क्रैकर्स मत बजाइए.